नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने काफी जेन्युइन सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी टैबलेट को किसी स्ट्रिप से बाहर निकाल दिया जाए तो वो टैबलेट कितने देर तक सही रहती है। काफी अच्छा सवाल था। तो इसके बारे में जब मैंने पढ़ा, जब मैंने रिसर्च किया, समझा, तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से आया कि देखिए, अगर कोई स्ट्रिप है और आप उसको उस स्ट्रिप में से टैबलेट को निकाल लेते हैं तो वो टैबलेट खराब नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि उसका जो रंग है उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देखने में डल लग सकता है, लेकिन वो खराब नहीं होगी। खराब अगर आप इसे कहते हैं कि वो खाने के बाद काम ही ना करे तो वो खराब नहीं होगी। हाँ, उस टैबलेट की इफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाती है अगर आप उसको निकाल करके खुली हवा में, खुले एयर में बाहर रख देते हैं तो अगर वो बाहर के एटमॉस्फेयर में आती है, अगर उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसकी इफिकेसी पर फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप अगर एक नॉर्मल टैबलेट खाते हैं, वो जितने देर में आराम करती, जितना अच्छा इफेक्ट दिखाती, उससे वो 10-20-30% कम दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से काम नहीं करेगी, एकदम से खराब हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि उस दवा की इफिकेसी कम हो जाएगी अगर आप उसको खुले एयर में रखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा से अच्छे से पैक करके रखें और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें दवाओं को। ये तो हो गया उसका जवाब। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में दवाओं के मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं कि शीशी में दवाइयां रख लेते हैं, स्ट्रिप से निकाल लेते हैं और शीशी में लिखा होता है सुबह, दोपहर, शाम। तो ऐसे करके उनके थोड़ा सा इजी होने के लिए, इजी लगने के लिए वो शीशी में दवाओं को निकाल करके रख देते हैं। तो उससे क्या होती है कि शीशी अगर आपकी बंद है तो बाहरी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, इससे वो दवा खराब नहीं होती है। तो मतलब अगर आपने दवा का रख रखाव ठीक किया है, भले उसको जो है क्लिस्टर पैकिंग से निकाल दिया है, भले उसको आलू पैकिंग से निकाल दिया है, आपने शीशी में रखा है, सेफ रखा है, तो वो खराब नहीं होगी। और अगर खुले एयर में भी रहती है तो वो एकदम से खराब नहीं होगी। हालांकि उसके ऊपर स्पॉट्स पड़ सकते हैं, कुछ काले धब्बे पड़ सकते हैं, उसकी इफिकेसी कम हो जाएगी, लेकिन वो खराब नहीं होगी। क्या कहता है कि दवा एक्सपायर हो जाती है तो उसको हमेशा डिस्ट्रॉय करके फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जो दवा एक्सपायर भी हो जाती है वो भी एकदम खत्म नहीं हो जाती है, वो भी काम करती है, थोड़ा उसकी इफिकेसी कम हो जाती है। सेम इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि दवाओं की इफिकेसी कम होगी, वो खराब नहीं होगी। एक डेढ़ घंटे तक अगर आप उसको रखेंगे तो उसमें स्पॉट्स पड़ेंगे, लेकिन वो खराब नहीं होती हैं। तो ये तो था आपके सवाल का जवाब। आशा करता हूं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। और एक चीज आपको और बतानी है कि अगर आप दर्शकों में से कुछ लोग क्रिकेट के भी फैन हैं, क्रिकेट को भी देखना सुनना पसंद करते हैं, तो मेरा एक और चैनल का नाम है शिवनीता क्रिकेट, आप उस पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, वो चैनल भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।